हेलो दोस्तों, टेक सपोर्ट चैनल के इस नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम कोई फॉर्म अपने फ़ोन से भरना चाहते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा परेशानी होती है उस फॉर्म को भरने के लिए अपने फ़ोटो को एक सही साइज़ देना। ज़्यादातर फॉर्म भरते टाइम हमारे फ़ोटो का जो साइज़ होता है नॉर्मली 20 KB से 50 KB के बीच का होता है। तो जब भी हम अपने फ़ोन से फ़ोटो को खींचते हैं तो उस फ़ोटो का साइज 2 MB, 3 MB, 5 MB से लेकर 10 MB तक का हो जाता है। तो उस फ़ोटो का हम साइज़ कैसे कम करेंगे, और साथ ही साथ अपने सिग्नेचर का जब फ़ोटो खींचते हैं तो वो भी काफ़ी डार्क हो जाता है एंड उसका भी साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, तो उस साइज़ को भी हम लोग कम कैसे करेंगे, और साथ ही साथ उस सिग्नेचर को हम लोग पूरा फ्रेश कैसे करेंगे, और अपने आधार कार्ड को दोनों एक पेज पर कैसे सेट करेंगे, तो आज की वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को फ़ोटो का साइज़ कम करने के लिए अपने गूगल पे चले जाना होगा, इंटरनेट जहाँ से हम लोग यूज करते हैं। और गूगल पे आने के बाद हम लोग सर्च करेंगे इमेज कंप्रेसर, इतना लिखने के बाद आप लोग एंटर दबा देंगे। और देखिए, सबसे ऊपर में ही हमारा लिंक आ गया है इमेज कंप्रेसर। अगर आप लोग स्पेलिंग थोड़ा सही सही लिखेंगे तो इमेज कंप्रेसर का लिंक सबसे ऊपर में ही आ जाएगा, और इस पे आप लोग क्लिक कर देंगे। इस वेबसाइट का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी दे देंगे, तो आप लोग वहाँ से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। और यहाँ आने के बाद ध्यान से देखिए, आप लोग यहाँ पे अपलोड फाइल जो लिखा हुआ है इस पे टच कर देंगे। आप लोग टच करने के बाद अपने फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, और जिस भी फ़ोटो को आप लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए आप लोग यहाँ 3 डॉट पर टच करेंगे और अपने गैलरी में चले जाएँगे, और यहाँ से अपना फ़ोटो इस पर टिक करके और इस सही के निशान पर टच कर देंगे तो आपका फ़ोटो सेलेक्ट हो जाएगा। और ये देखिए, थोड़ा वेट करेंगे, आपका फ़ोटो यहाँ जब पूरी तरह से प्रीव्यू और डाउनलोड का ऑप्शन आने लगे तो आप लोग थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आइएगा। और यहाँ आने के बाद आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो आपका एक लाइनिंग आ रहा है ये वाला, जो अभी हम इसको दाएँ से बाएँ की ओर करते हैं, देखिए इससे क्या होता है। अभी देखिए आपका, जिसे यहाँ 50 पे रखते हैं तो देखिए हमारा जो प्रीव्यू दिखा रहा है वो 12 KB का आ रहा है, मतलब हमारा फ़ोटो बन के जो आएगा वो 12 KB का आएगा, तो ये काफ़ी कम है। हालांकि हमें इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा रखना है, तो हम लोग थोड़ा इसको 50 के जगह 80 कर देते हैं। देखिए अभी हमारा ये 25 KB का आ रहा है, 25 KB का, तो ये हमारा एक परफेक्ट साइज़ है। अगर इसको हम और भी ज़्यादा थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको और बड़ा कर देंगे, यहाँ से मान लीजिए इसको हम 90 कर देते हैं। देखिए अभी ये हमारा 45 KB का आ रहा है, और इसको साइड करके ये भी देख सकते हैं आपने जो कि अपना KB कम किया उससे आपके फ़ोटो पे कितना प्रभाव पड़ रहा है, और कितना फ़ोटो सही लग रहा है या फिर ख़राब लग रहा है। जैसे देखिए अभी हम इसको 25 पे कर देते हैं, और ये हमारा 7 KB में आ गया। इसको थोड़ा इधर कीजिए, देखिए फ़ोटो आपका काफ़ी ये फट रहा है अभी, तो ये काफ़ी कम है। आप लोग इसको नॉर्मली 70 के आसपास रखेंगे, या फिर आपका अगर प्रीव्यू में ज़्यादा KB दिखा दे तो आप लोग इसको और कम भी कर सकते हैं। और इतना करने के बाद आप लोग अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, और अब जो है आपका डाउनलोड का जो ये ऑप्शन है यहाँ पे टच कर देंगे। और देखिए आपका ये दिखा रहा है कि आपका 24.66 KB का होगा, और यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे, और देखिए आपका डाउनलोड हो गया। यहाँ से आप लोग ओपन कर लेंगे इसे, और यहाँ से अपना फाइल सेलेक्ट कर लेंगे कॉपी टू पे क्लिक करके। यहाँ से आप अपना कोई भी फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर डायरेक्ट अपने फाइल मैनेजर में ही यहाँ से पेस्ट कर देंगे। और देखिए आपके फाइल में यहाँ पे इमेज कंप्रेसर 1.zip लिखा हुआ है, जो इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग ध्यान से देखेंगे एक्सट्रैक्ट फाइल टू लिखा हुआ जो आ रहा है 2 नंबर का, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे, और आप लोग अपना फाइल में चले जाएंगे, इंटरनल या फिर स्टोरेज कहीं भी सेलेक्ट कर लेंगे आप लोग। जैसे अभी हम इसका इंटरनल शेयर्ड स्टोरेज सेलेक्ट कर रहे हैं, इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग किसी भी फाइल में जाके इसको ऐसे फाइल पहले सेलेक्ट कर लेंगे और एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देंगे। और देखिए ध्यान से आप लोग, आपका एक और नया फाइल यहाँ पे बन गया है इमेज कंप्रेसर। इस फाइल में जाएंगे और यहाँ पे आप लोग देखिए आपका ये फ़ोटो 25 KB के अंदर आ चुका है। दोस्तों, किसी भी फ़ोटो के साइज़ में हाइट, वेट और पिक्सल सेट करने के लिए हम लोगों को वापस से गूगल पे चले जाना है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इमेज रीसाइजर, इतना लिख के आप लोग ओके कर देंगे। और देखिए सबसे ऊपर में जो लिंक आया हुआ है imageresizer.com, आप लोग इस लिंक पे क्लिक कर देंगे। हम इस वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे, तो आप लोग वहाँ से भी इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। और इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट इमेज जो लिखा हुआ आ रहा है इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे एक बार, और यहाँ से अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे और डन पे क्लिक कर देंगे।
देखिए हमारा ये फ़ोटो सिलेक्ट हो गया है। अब हम लोग थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए ध्यान से रिसाइज लिखा हुआ है जो, इस पर टच कर देना है। अगर हमें किसी वेबसाइट पे बताया जाता है कि हमें फ़ोटो का साइज़ 200x250 रखना है और पिक्सल 300 सेट करना है या फिर कुछ भी हो सकता है डिफरेंस, तो हम आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहे हैं 200x250, तो वो कैसे सेट कर, तो आप लोग को सबसे पहले इस लॉक पर क्लिक कर देंगे और अब क्या करेंगे यहाँ से आप लोग 200 भर देंगे और इधर 250 कर देंगे। और नीचे आने के बाद ध्यान से देखिए यहाँ पे जो यूनिट लिखा हुआ है, अभी यहाँ पे पिक्सल है, इस पर आप लोग टच करेंगे और यहाँ से इंच सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पे DPI में जाएंगे। अगर आपको उस वेबसाइट पे बोला जाएगा कि अपने फ़ोटो का साइज़ 300 DPI में रखना है, तो आप लोग 300 रखेंगे। अगर ज़्यादा या कम बोलता है तो यहाँ से आप लोग इसे कम या ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 200 बोलेगा तो आप लोग 200 पर क्लिक करेंगे और कुछ नहीं, सिंपल आपको नीचे आ जाना है। अगर आप लोग को फ़ोटो का साइज़ यहीं से एडजस्ट करना है, और देखिए अगर आपको अपने फ़ोटो का साइज़ 50 KB के अंदर रखना है, तो टारगेट फाइल साइज़ जो लिखा हुआ आ रहा है आप लोग यहीं पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 50 लिख देंगे और रिसाइज पे क्लिक कर देंगे। देखिए अभी रिसाइज हो रहा है और देखिए आपका फ़ोटो साइज़ जो है 26.14 KB में आ गया है। तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड इमेज पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे और देखिए ये आपका फ़ोटो सही साइज़ में आपका बिल्कुल 200x250 और 200 DPI के साथ अच्छे से डाउनलोड हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने फ़ोटो का साइज़ कम कर लेंगे। और अब हम लोग देखेंगे कि अपने सिग्नेचर का साइज़ कैसे कम करते हैं, उसे क्लीन पूरी तरह से कैसे करते हैं। उसके लिए आप लोगों को चले जाना होगा अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप लोग यहाँ पे सर्च करेंगे डॉक स्कैनर और सर्च करने के बाद यहाँ से देखिए आप लोग इसे इंस्टॉल कर लेंगे। अभी हमने इसे इंस्टॉल कर रखा हुआ है पहले से ही, तो हमारे पास ओपन का ऑप्शन आ रहा है, इसे हम ओपन कर लेंगे। आप लोग भी डाउनलोड करके इसे ओपन कर लीजिएगा सबसे पहले। और ओपन होने के बाद यहाँ पे जो आपका ये कैमरा का ऑप्शन आ रहा है, ध्यान से देखिए इस पर टच कर देंगे और अपना पहले फ़ोटो यहाँ से इस तरह से आप लोग खींच लेंगे। उसके बाद देखिए ये जो आपका सिलेक्टेड एरिया का ऑप्शन आ रहा है, आप लोग इसको हाथ से खींच के इस तरह एडजस्ट कर लेंगे अच्छे से। और यहाँ पे आपके पास जो करंट फिल्टर का ऑप्शन है, इस पर यहाँ पे वाइब्रेंट जो लिखा हुआ है अभी, आप लोग इस बॉक्स में टच कर देंगे और यहाँ पे इस सही टिक पे क्लिक कर देंगे और फिर से इस सही टिक पे क्लिक कर देंगे और देखिए आपका फ़ोटो यहाँ से, और देखिए आपका सिग्नेचर पूरी तरह से साफ़ हो गया है, एडजस्ट भी हो गया है। और इस सही के टिक पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए अब इसको हम लोग सेव करने के लिए यहाँ पर सेव वाले बटन पर टच करेंगे और यहाँ से अगर इसको कोई नाम देना चाहते हैं इस पर टिक करेंगे और यहाँ पे जैसे अभी जितेंद्र नाम से सिग्नेचर है, तो यहाँ पे हम लोग जितेंद्र लिख देंगे और सिग्नेचर लिख देंगे और ओके कर देंगे और अपने इंटरनल स्टोरेज पे यहाँ पे टच कर देंगे और यहाँ से अपना कोई भी फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे जिसे हम इसे डॉक्यूमेंट में रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर यूज दिस फोल्डर जो लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे और अलाउ पे ओके कर देंगे और देखिए अब सेव हो रहा है और ये हमारे फाइल में जाके सेव हो गया है। तो हम लोग जाके अपने फाइल में पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ इमेज पे क्लिक करते हैं और देखिए सबसे ऊपर में ही हमारा ये सिग्नेचर सही से दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों किसी भी फॉर्म को भरने के लिए इस तरह से आप अपने फ़ोटो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट को सही से एडजस्ट कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।